मुझे यकीन है कि ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो बहुत ही कमाल की अदाकारा दुर्रफिशां के फैंस हैं या फिर बहुत ही कमाल के और ज़बरदस्त अदाकार दानिश तैमूर के फ़ैन हैं। क्या कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद दानिश तैमूर और दुर्रफिशां हमें साथ में दिखाई देंगे, कोई न्यू प्रोजेक्ट करेंगे? क्या इनका न्यू प्रोजेक्ट जल्द अज़ जल्द आने वाला है? किस चैनल पर इनका न्यू प्रोजेक्ट आएगा? कौन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे और YouTube पर क्या न्यूज़ फैली हुई है इस कपिल के मुतालिक, ये सब आपको बताने वाला हूँ। जिसने जानना है वो वीडियो को एंड तक देख सकता है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट। तो जो बंदा दानिश तैमूर का फ़ैन है वो सुन ले, दानिश तैमूर के मुतल्लिक यूट्यूब पर ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि दुर्रफिशां और दानिश तैमूर एक बार फिर साथ में काम करने वाले हैं, यानी कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और अगर ये आप मुझसे सुने, मेरी जो राय है वो आप सुने, तो मैं आपको क्लियर कह दूँ कि कुछ हद तक ये न्यूज़ सच है। वो कैसे? वो ये है कि कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर गया दानिश तैमूर और दुर्रफिशां का, तो पब्लिक की भी डिमांड है कि दानिश तैमूर और दुर्रफिशां साथ में काम करें, तो इस पर बहुत ज़्यादा वार करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर और यकीनन ARY डिजिटल या जियो TV पर इनका ड्रामा रिलीज़ होगा चांद दिनों में। अभी तक ड्रामा इन्होंने साइन नहीं किया है, लेकिन कुछ मंथ लग जाएंगे तकरीबन ही इनका ड्रामा आएगा, जिस तरह दीवानगी ड्रामे के बाद जान निसार आया है। क्या आप दुर्रफिशां दानिश तैमूर का वेट करें? कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो इतनी थी, खुदा हाफिज़।